ये है आलू भुजिया। इस मौसम में आलू भुजिया का आनंद अलग ही आता है। बारिश, बारिश में वो भी हट्टी पौड़ी पे नवीन ने दिखा। A rich man's world, I have turned the song of this beautiful land, but that सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम हरिद्वार। और हम लोग रात में तकरीबन 1 बजे समथिंग हरिद्वार आ गए थे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। और मतलब हमें गंगा स्नान के लिए निकलना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पा रहे क्योंकि बाहर एज यू नो बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ख़राब है। मौसम बाहर के हालात कुछ इस प्रकार हैं, सामने मतलब आप देख ही रहे होंगे कितने बादल हैं। अभी थोड़ी बारिश कम हुई है वरना अब देखते हैं। हम लोग फटाफट रेडी होके कहाँ जा मतलब हड़की पौड़ी के लिए निकलते हैं। बाकी अपना नाश्ता वगैरह करके निकलते हैं हम लोग और एक बार छत पे चलते हैं। छत पे चल के देखते हैं व्यू वगैरह, वो दिखाते हैं आपको। जस्ट अभी वेदर चेक कर रहा था तो अभी मतलब 12 बजे तक बारिश है। 12 बजे के बाद में देखेंगे, हमें हरिद्वार जाना है हड़की पौड़ी गंगा स्नान के लिए, तो वो देखते हैं हम लोग 11-12 बजे तक निकलेंगे जैसी थोड़ी बारिश कम होगी, धूप निकलेगी। तो जिस होटल में रुके हुए हैं ये वहाँ की छत है और मौसम आप देख ही रहे होंगे कि कैसे बादल वगैरह, बारिश भी बूंदाबांदी हल्की फुल्की हो रही है। और बाकी ये सीन हरिद्वार में सीन कुछ इस प्रकार है हमारे होटल से। और उधर की तरफ है हड़की पौड़ी, तो देखेंगे थोड़ा मौसम ठीक होगा तो हड़की पौड़ी के लिए निकलेंगे। और बाकी तो जैसा मतलब जाम वगैरह के लिए कह रहे थे तो फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, लेकिन अब देखते हैं बाहर जाके रोड पे कैसा क्या मिलता है। और बस बाकी सब ठीक है। बारिश हो गई है तेज और अब नीचे चल रहे हैं और देखते हैं जैसी बंद होगी तो हड़की पौड़ी के लिए जाएंगे स्नान करने। और चंडी देवी मंथा देवी घूमना है तो वो भी आपको दिखाएंगे। बस थोड़ा यही है कि मौसम थोड़ा ठीक हो जाए। बाकी साउंड आपको आ ही रहा होगा बारिश का कि बूंदाबांदी तेज़ हो गई है और सुबह से पड़ रही है। मतलब अब 5-6 बजे भी आँख खुली थी तब भी बारिश पड़ रही थी और अब भी बारिश पड़ रही है। तो जैसे ही मौसम खुलता है या कुछ धूप वगैरह आती है, बारिश बंद होती है, तो अपन फिर हड़की पौड़ी के लिए जाएंगे और फिर वहाँ पर आपको वहाँ के जो भी सीन है वो आपको दिखाएंगे। उसकी यार बहुत देर तक कहानी बहुत चलती है, बहुत कहानी सुनाता है। तो वही नाश्ता वगैरह सब हो गया है, हम लोगों ने पराठे खाए हैं और बारिश अभी भी पड़ रही है। अब देखते हैं जैसे भी बारिश बंद होगी तो हम लोग चलेंगे हड़की पौड़ी, तो मिलते हैं आपसे। तो ये अपना होटल जहाँ पर हम लोग अभी रुके हैं। और अभी जब निकल रहे थे तो बारिश इतनी हो नहीं रही थी,
पर अब जैसे ही बाहर निकले हैं तो बारिश फिर दोबारा चालू हो गई है, तो अपनी किस्मत तो ऐसी ही आपको पता ही है। अब देख रहे हैं, अब निकल तो गई हैं तो गंगा स्नान के लिए जा ही रहे हैं अर्की पौड़ी, क्योंकि वहाँ भी नहाना ही है जाके। थोड़ी दूरी चल कर आए हैं और फिर दोबारा बारिश चालू हो गई, अब साइड में कहीं रुके हुए हैं, अब देखते हैं कहीं जाने के लिए। हम जा रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख और श्रीनगर। ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हो ये है अर्की पौड़ी, और हम लोग अभी जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो बाकी दिखाते हैं आपको। तो बाकी ये अपने भाई लोग हैं, और अभी तो फिलहाल इतनी भीड़ है नहीं जितनी हम लोग वीडियो में देख रहे थे या जो लोग बाग बता रहे थे, क्योंकि पता ही है आपको बारिश हो रही है। अभी चल के देखते हैं। हम लोग अभी आ गए हैं अर्की पौड़ी, मेरे पीछे तो देख रहे हो अर्की पौड़ी और ये घंटाघर है। और आपको अगर ज़्यादा इस जगह के बारे में जानना हो तो हमारे गिरिराज भाई आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे हैं हम हरिद्वार में, यहाँ है माँ गंगा का पवित्र स्थान, जो भगवान शंकर के जटाओं से माँ गंगा बहती हैं उनके जटाओं में, और हम हैं हरिद्वार के पावन पवित्र स्थल पर, जो कि यहाँ से शुरू हो जाता है और वहाँ तक पूरा अर्की पौड़ी का स्थान है। यहाँ से जूते चप्पल अनिवार्य नहीं है, पूरा बैन कर देते हैं, उनका इसके स्थान बनाया गया है वो वहाँ पर, मतलब आपको जूते चप्पल यहाँ पर उतारने पड़ते हैं, उतारना पड़ेगा, और वहाँ से पूरा नंगे पैर रहे हैं। अगर हम इस स्थान पर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग चप्पलों में आ सकते हैं, बैन नहीं है। हालांकि ये धर्म ये कहता है कि जूता चप्पल अलाउ नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीन क्रिएट होता ही है, तो इस बार सीन ये हुआ है कि हमारे नवीन भाई का चश्मा पानी में बह गया है। जो भाई जब नहाने गए थे तो चश्मा पहन के चले गए थे, और चश्मा भाई का पानी के साथ बह गया क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है, और अब भाई लगे पड़े हैं कहीं से कोई कॉन्टैक्ट निकालने में कि चश्मा वाला कोई हो जो मतलब चश्मा बना दे, तो पहले चश्मा बनवाया जाएगा उसके बाद में कहीं जाया जाएगा। तो भाई गंगा स्नान वगैरह सब हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं नवीन भाई का चश्मा बनवाने के लिए। अभी देख रहे हैं चश्मे वाले की दुकान, तो जैसे ही चश्मे वाला बनता तो पहले चश्मा बनवाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई को दिखाई कुछ भी नहीं पड़ रहा, बस काम चल रहा है। गिरिराज भाई कहाँ है चश्मे वाले की दुकान? अब उसी ने बताया है कि गुप्ता करके कोई दुकान है। भाई सही है, टेम्परली जो मिल रहा है उसे बना ले, घर पे आके फिर बनवा लिया, घर पे तो तेरा रखा ही है चश्मा। बढ़िया लग रहे हो भाई, एकदम फरहान अख्तर लग रहे हो पूरे। नवीन भाई का चश्मा बन चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल। बाकी ये रहा नवीन, नया चश्मा बनवा दिया इसका।
सो वी आर बैक टू आर होटल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर की पौड़ी पे स्नान करते हुए नवीन का चश्मा बह गया था, और तभी तुरंत ही कुछ टाइम बाद ही उसके पैर में मोच आ गई, तब उसके पैर में भी दिक्कत है। तो भाई साहब हमारे थोड़े बस अब ऐसी हाल चल रहा है इनका, अपना लगे फोटो शूट चल रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती लेने के लिए, तो वो आपको दिखाते हैं। अभी मौसम थोड़ा मतलब धूप निकल गई है तो थोड़ी गर्मी हो गई है, बाकी सुबह से तो बारिश पड़ी रही थी जो आप देख ही रहे हो, और बाकी दिखाते हैं आपको गंगा आरती। भाई बाद में खिंचवा लेना, चलो लेट हो रहे हैं गंगा आरती के लिए यार। चल भाई चल, नवीन चल। पेट नहीं भरेगा वैसे, पेट भरने के लिए नहीं, फिर आरती में ज्यादा 20 रास्ते में गिर गया आदमी, फिर तो इतना थोड़ी ना कमजोर है तुम यार। तो वी आर इन रखी पौड़ी और अभी आरती के लिए जा रहे हैं हम लोग। शाम की आरती ले ली है और अब वापस हम लोग अपने होटल जा रहे हैं। शाम के वक्त थोड़ा जाम हो गया है अभी, क्योंकि सैटरडे है, लोग बाग ऋषिकेश वाले भी आ रहे होंगे और कुछ हरिद्वार वाले जो अपने दिल्ली NCR से जो आए हैं वो लोग अपने घर जा रहे होंगे। तो भाई जाम का हाल कुछ इस तरह है, ये जो आप देख रहे हो आगे तक जाम लग रहा है पूरा। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बस इतना ही कहना चाहूंगा, जस्ट लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बस दुआओं में याद रखना।